नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्योतिष किचन पॉइंट में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आए दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी के इंस्टेंट वड़े, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। मैंने मोटी सूजी यूज़ की है, आप बारीक भी यूज़ कर सकते हैं। आधी कटोरी दही लिया है हमने, 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, इसे हमने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च ली हमने, इसको बारीक काट लिया है, 1 बड़ा प्याज लिया है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, आप चाहे तो बारीक अदरक भी काट के ले सकते हैं। यहाँ पे हमने तेल लिया है वड़ा फ्राई करने के लिए, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बना के तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर सूजी डालेंगे, अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, तो यहाँ पे हमने ताज़ा दही लिया है, अब हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च ली थी वो डाल देंगे, प्याज, जीरा, धनिया पत्ता, अब हम इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा लिया था वो मिलाएंगे, अब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट मिलाएंगे, नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसका बैटर बना के तैयार करते हैं। हमें इसका गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीब 2 चम्मच, इसको अच्छे से मिला दें। तो देखिए, हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल के तैयार हो जाए। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी फूल चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए, हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है, अब हम इसके अंदर जो हमने तेल लिया था वो डालेंगे, तेल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देखिए, जितने हमारा तेल गर्म होता है उतने हम जो है बड़े बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसके इस तरीके से हम बड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर लिया हमने, इसको इस तरीके से प्रेस करें और फिर बीच में हम थोड़ा सा छेद कर देंगे। तो देखिए, हमारा वड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके अंदर जो हमने वड़े बनाए थे उसे फ्राई करेंगे। तो इसको सावधानी से डालें। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के वड़े बना के तैयार करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे वड़े बना के तैयार कर लिए हैं, उसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इसे हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें। तो देखिए, इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए।
अब हम इसको पलटेंगे थोड़ी थोड़ी देर में और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारे जो बड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं, उनका कलर भी काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इनको एक बर्तन में निकालेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाए। और यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर लिया है, तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के बड़े भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे बड़े फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सर्व कर दिया है, ये बहुत टेस्टी बने हैं, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।